आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव टाइम आपका लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। फहीम खान का भतीजा इत्तेकाब पूरा करके अपने घर की ओर आया। वहीं मौके पर टीएमसी नेता मुख्तार खान ने गुलाब फूल देकर उनका स्वागत किया। मैं आपको बता दूं कि इत्तेकाब रमजान के आखिरी उसरे में किया जाता है, जिसमें 10 दिन अल्लाह की इबादत की जाती है। वहीं मीडिया से बात करते हुए फहीम खान का भतीजा ने बताया कि कोरोना वायरस बीमारी हमारे मुल्क से हट जाए, हमने अल्लाह से दुआ किया। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से फहीम खान का भतीजा क्या कह रहा है। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। 20 रमजान को हम लोग बैठते थे कैंप में, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। उसमें सिर्फ दुनिया से मतलब कट जाना चाहिए और सिर्फ खुदा की इबादत करना पड़ता है। उसमें कोई आपको मतलब नहीं होता। उस टाइम उस 10 दिन में आपको किसी से बात नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी पड़ती है। और इस एतिकाफ के मतलब इसमें बैठे हुए हैं। मैंने कोरोना को लेकर भी बहुत सी दुआ की है कि कोरोना हमारे मुल्क से या पूरे दुनिया से ख़त्म हो जाए। इसके मतलब अल्लाह दर्द भी अल्लाह ही देता है और शिफा भी अल्लाह ही देता है, इसकी दवा भी अल्लाह ही देगा। और कितने लोग बैठे थे इंतकाफ में आपके इस इलाके से? इस इलाके से इंतकाफ में हम 3 बैठे थे। प्रत्येक साल मतलब ये सिलसिला आपका जारी रहता है? प्रत्येक साल ये सिलसिला हमारा जारी रहता है। और क्या कुछ धनबाद में कोरोना का जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है, धनबाद के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे आपस में, सैनिटाइजर का यूज करते रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान खान जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर आप हम लोगों के बीच आए। इत्तेकाफ रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने के आखिरी अशरे का एक अहम अमल है, जिसका बहुत ही बड़ा मर्तबा है। और ऐसा कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति इत्तेकाफ में बैठ जाए तो उस पूरी बस्ती का हक अदा हो जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति इत्तेकाफ में आखिरी अशरे में ना बैठता हो तो पूरे बस्ती पर, पूरे मोहल्ले पर अल्लाह की ओर से अजाब नाजिल किया जाता है। क्या कोरोना के लिए आप लोग ने दुआ किया इत्तेकाफ में? बिल्कुल। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड नई मस्जिद में इत्तेकाफ पे बैठे हुए थे पिछले 10 दिनों से। आज ईद की चांद उन्होंने देखी और मस्जिद से फिर वो बाहर आए। इस दौरान अल्लाह की उन्होंने खूब इबादतें की, तिलावतें की। और मुल्क में ये जो कोरोना नामक वबा फैली हुई है, जिससे पूरे मुल्क और देश और दुनिया में तबाही मची हुई है, हम सभी ने और उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस बीमारी से हम सब